फिर हमने लोन नोट्स के बारे में पढ़ा डिविडेंस कैसे पे होते हैं फाइनेंस चार्ज हमने देखा हमने स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्विटी ऑल्सो कॉल सॉसी वो देखा और फिर हमने इनकम टैक्स पढ़ा ओके चलो लेट स्टार्ट द क्वेश्चंस नाउ स्टेट वेदर ईच ऑफ ट्रू और फॉल्स अ राइट इश्यू कैपिटलाइजेज रिजर्व्स कैन बी अ डिस एडवांटेज एज दिस कैन रिड्यूस दिजर्व अवेलेबल फॉर फ्यूचर डिविडेंड्स क्या ये सही है या गलत दिस इज फॉल्स फॉल्स क्यों क्योंकि राइट right इश्यू कभी भी कैपिटलाइज नहीं करता एंटीटी के रिजर्व को वो तो बोनस इशू करता है राइट right इश्यू में तो हम लोग क्या करते हैं कैश को रेज कर लेते हैं एंट्री क्या होती है डेबिट कैश क्रेडिट शेयर इशू ओके क्रेडिट शेयर कैपिटल लेकिन बोनस बोनस इश्यू केस में क्या होता है डेबिट शेयर प्रीमियम और क्रेडिट शेयर कैपिटल तो वो तो बोनस इशू के केस में होता है कि हम जो रिजर्व uh, का पैसा है शेयर प्रीमियम क्या है रिजर्व है एक तरीके से तो वो जो रिजर्व का पैसा है उसको हम रिजर्व से निकाल के कहां डाल देते हैं शेयर कैपिटल में डाल देते हैं okay? ओके वो प्रीमियम uh, से निकल के कहा कैपिटलाइज हो जाता है शेयर कैपिटल में हो जाता है ठीक है इसीलिए ये पॉइंट गलत है क्योंकि वो राइट right इशू में नहीं होता वो बोनस इशू में होता है ओके देन द सेकेंड पॉइंट इज

कि किस पे होता है मार्केट वैल्यू में होता है मैंने अलग से नोट में भी यह स्पेसिफाई किया है सो दिस विल बी फॉल्स फॉल एन एंटिटी अ पेविडेंट वॉट अकाउंटिंग एंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू अकाउंट फॉर द ट्रांजेक्शन डिविडेंड पे करने की एंट्री क्या होती है पहले खुद ही कर लो डेबिट क्या करते हैं अर्निंग्स क्योंकि डिविडेंड को कम करते हैं और क्रेडिट क्या करते हैं हम बैंक अब देखो ये एंट्री कहां है ए नहीं है बी नहीं है सी है ये सो सी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन होगा चलो मूविंग फर्दर विच टू आइटम्स विद इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन वु इमीजिएटली फॉलोइंग द इश्यू ऑफ अ preference shares? शेयर क्या है रिडीमेबल प्रिफरेंट शेयर है तो जब रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर होता है तो उसको हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं लोन notes की तरह ट्रीट करते हैं तो एंट्री क्या करेंगे हम डेबिट करेंगे कैश और क्रेडिट करेंगे क्या नॉन करंट लाइबिलिटी ओके तो क्या चेंज होगा कैश चेंज होगा और नॉन करंट लाइबिलिटी चेंज होगी सो देखो कैश को सेलेक्ट करेंगे रिटेन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फाइनेंस कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लॉन्ग टर्म डेट यस लॉन्ग टर्म डेट क्या होता है नॉन करंट हैिटी तो होती है सो ये दो अफेक्ट होंगे कैश एंड लॉन्ग टर्म डेट ओके नाउ द क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वुड यू एक्सक्लूड

Cartwright Company shows closing retained earnings of $32568. The statement of profit and loss shows a profit of $79,285. Cartwright Company paid last year dividend of $12,200 during the year. This sal is a ka dividend pay. Ki hai, okay. And proposed a dividend of $13,500 at the year end. This has not been approved by the shareholders at the end of the year. तो अगर वो अप्रूव नहीं हुआ है शेयर होल्डर से मतलब वो लाइबिलिटी नहीं है हम उसको लाइबिलिटी की तरह कंसिडर नहीं करेंगे राइट right? ये भी मैंने आपको पॉइंट बताया था तो चलो क्वेश्चन ने क्या पूछा है इज ओपनिंग अर्निंग अर्निंग बैलेंस चलो तो अब देखो क्लोजिंग जो है वो किसके इक्वल होती है क्लोजिंग अर्निंग इज इक्वल टू ओपनिंग रिटेन अर्निंग प्लस प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर माइनस डिविडेंड पेड ठीक है तो हमें क्लोजिंग रिटेनिंग क्वेश्चन ने दे रखा है कितना थ्री ट्वेंटी फाइव सिक्सिंग रिटेनिंग ड्यूरिंग दस सेवेंटी नाइन टू एटी फाइव और डिविडेंड पे कितना किया है ट्वेल्व थाउजेंड टू हंड्रेड लेकिन ये जो डिविडेंड है वो पिछले साल का है कोई फर्क नहीं पड़ता पिछले साल का पे किया हो या उससे भी पिछले साल का पे किया हो ड मैटर लेकिन डिविडेंड जो है वो क्या हो रहा है इस साल पे हो रहा है तो वो कहां से जाएगा वो रिटेन रिटेन अर्निंग्स में से ही जाएगा हम थर्टीन फाइव हंड्रेड नहीं इंक्लूड करेंगे क्यों क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था डिविडेंड पे करने का प्रोसेस क्या होता है सबसे पहले वो प्रपोज होता है फिर वो अप्रूव होता है बाय द शेयर होल्डर्स देन वो डिक्लेयर होता है एंड देन उसको पे किया जाता है ओके okay? सिर्फ अभी प्रपोज हुआ है मतलब बात जो है डिविडेंड पे करने की वो बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे है राइट right? सो so इसको हम ये नहीं हम इसको लाइवलिटी नहीं मानेंगे हम थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड को नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि पता नहीं ये कब अप्रूव होगा हो सकता है पांच साल बाद अप्रूव हो है? और हो सकता है कि छठे साल में जाकर पे हुए फाइन सो इसको नहीं इंक्लूड करेंगे ओके okay, अब एक्स निकालो एक्स कैसे निकलेगा थ्री ट्वेंटी फाइव सिक्स एट में माइनस कर लेंगे 79, 285, और ऐड कर लेंगे ओपनिंग लाइब्रेरी ओपनिंग रिटेनिंग कितनी आएगी टू फिफ्टी थ्री फोर एटी थ्री अब देखो टू फिफ्टी थ्री फोर एटी थ्री कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सो यहाँ पे कौन सा करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी चलो मूविंग फर्दर अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कंपनी का नाम है, फॉर प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है पीबीटी फिर टैक्स माइनस कर रहा है थर्टी टू थाउजेंड का एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखा है मतलब ये आफ्टर टैक्स है इन एडिशन टू द फॉलोइंग अबव गियरिंग कंपनी पेडिडेंड ऑफ ट्वेंटी वन थाउजेंड ड्यूरिंग ईयर ओके बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में रिटेन अर्निंग्स की क्या वैल्यू होगी ठीक है क्या ऐड करना है हमें रिटेन अर्निंग में ठीक है सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है हमारा थर्टी सिक्स थाउजेंड उसमें से हमने क्या पे किया डिविडेंड पे किया तो डिविडेंड जो हम पे कर रहे हैं वो हम माइनस करेंगे मच तो हम कितना ऐड करेंगे ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स में फिफ्टीन थाउजेंड कितना फाइनल वैल्यू ओके अब गेन ऑन रिवैल्युएशन ऑफ लैंड रिजल्टेड इन सर्पलस थाउजेंड मैंने क्या बताया था क्योंकि ये ये सरप्लस जो जो है ये नहीं है रियलाइज नहीं दिस इज सो भी इनकम्स हैं हैं या एक्सपेंसेस वो इनकम जाते हैं वो जाते हैं हमारे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में वो वहां अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का पार्ट बनता है और राइट right? इसलिए ये रिटेन अर्निंग्स का पार्ट नहीं बनता रिटेन तो अर्निंग्स अलग चलता है और रिटेन अर्निंग्स में हम डिविडेंट माइनस करके दिखाते हैं लेकिन रिवैलुएशन सरप्लस के लिए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस ऑफ इक्विटी में एक अलग है कॉलम है ना सो so, इसलिए ये वाला पॉइंट हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्वेश्चन सिर्फ रिटेन अर्निंग से रिलेटेड चीज पूछ रहा है तो हम बेसिकली कितना ऐड करेंगे वहां पे 15,000 चलो मूविंग फर्दर ओके द क्वेश्चन से विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू अ राइट इशू ऑफ शेयर बाय एन एंटिटी नो कैश इज रिसीव बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ मेकिंग द राइट इशू नहीं गलत है ये क्योंकि हम कैश रेस करते हैं देंटिटी इशू शेयर फॉर अ कैश एट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर नहीं ये भी गलत है हम किस पे करते हैं मार्केट प्राइस से कम पे होता है दी एंटिटी इशूज शेयर फॉर कैश एट अ प्राइस लेस दैन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर यस सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वो ह्यूर एंड ऑप्शन डी क्या नॉन ऑफ द नहीं है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन रिलेशन टू अ बोनस इशू ऑफ शेयर बाय एन एंटिटी बोनस इशू की बात हो रही है The entity issues share for cash at a price less than the market price of shares? No. Cash to generate in The entity issues share for cash at a market price of the shares? No. No cash is received by the entity as a result of make, uh, making the bonus issue? Yes. So, option number again, C is correct over here. Chalo. Let's move further now. State whether each of the following statements is true or false. Dividends paid by an entity are excluded from statement of changes in equity? False. क्यों? क्योंकि डिविडेंड्स जो पे करते हैं वो तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्विटी में आता है एक्स वाई जेड एंटिटी के शेयर्स खरीद रखे हैं अब उस शेयर्स पे मुझे मिलता है डिविडेंड ठीक है तो डिविडेंड रिसीवेबल है वो वो पेबल डिविडेंड नहीं है, वो है तो वो कहां जाता है वो जाएगा मेरे स्टेटमेंट ऑफ पी एल में ठीक है सो डिविडेंड डिडेंट बाय एन एंटिटी जो मैं रिसीव कर रही हूं आर इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्विटी नहीं नहीं वो इंक्लूड नहीं होता जो रिसीव होता है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन में नहीं जाता वो स्टेटमेंट ऑफ पी एंडल में जाता है बाय एन एंटिटी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ये ट्रू है जो डिविडेंट रिसीव होता है एंटिटी से वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्विटी से एक्सक्लूड होता है ठीक है

जो होता है वो statement of changes in equity में आता है, वो वो में में आता नहीं जाता और जो statement, uh, जो dividend receive होता है वो स्टेटमेंट ऑफ पी एल में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में नहीं जाता बस इतना सा कॉन्सेप्ट है और उसको इन्होंने चार लाइन में अलग अलग तरीके से घुमा के पूछा है ठीक है चलो लेट्स मूव फर्दर एन एंटिटी मेड एन इश्यू ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर वन इक्विटी शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ डॉलर 1.75 तो डॉलर वन तो क्या हो गया ये तो हो गई उसकी नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू और डॉलर इशू ऑफ शेयर्स अब क्या है अब एक बार खुद करो ठीक है अब देखो डॉलर वन तो क्या है इशू प्राइस है और डॉलर वन क्या है नॉमिनल वैल्यू है इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितना 75 सेंस या फिर डॉलर पॉइंट सेवन फाइव ये क्या है ये है शेयर प्रीमियम ये क्या है शेयर प्रीमियम तो एंट्री क्या करेंगे डेबिट कैश क्रेडिट क्या शेयर कैपिटल और क्रेडिट क्या होगा शेयर प्रीमियम और नंबर ऑफ शेयर्स कितने ट्वेंटी थाउजेंड है सो ट्वेंटी थाउजेंड

फर्स्ट वाली नहीं गलत है डेबिट शेयर कैपिटल ट्वेंटी शेयर प्रीमियम फिफ्टीन क्रेडिट बैंक नहीं ये तो अपोजिट एंटिटी गल, गलत है डेबिट बैंक थर्टी फाइव शेयर प्रीमियम में ट्वेंटी नहीं आएगा फिफ्टीन आएगा सो डेबिट बैंक थर्टी फाइव क्रेडिट शेयर कैपिटल ट्वेंटी एंड क्रेडिट शेयर प्रीमियम फिफ्टीन यस सो ऑप्शन डी क्या है करेक्ट है यहाँ पे चलो मूविंग फर्दर अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन एन एंटिटी टेलर टेलर नाम है एंटीटी का हैज इश्यूड एक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ टू शेयर्स फिफ्टी थाउजेंड शेयर वैल्यू ऑफ पॉइंट के बैलेंस के में वॉट अकाउंटिंग एंट्रीज आर रिक्वायर्ड इफ टेलर वॉज टू मेक अ बोनस इशू कर रही है ऑफ वन ऑफ वन शेयर फॉर फोर हेल्थ हर चार के लिए वो एक शेयर इशू कर रही है ठीक है देखो सबसे पहले यहां पर अगर हम लिखें तो यहां पहले तो नंबर ऑफ शेयर्स देखो कितने यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स है टू फिफ्टी थाउजेंड ठीक है फिर नॉमिनल वैल्यू क्या है हर शेयर की नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू कितनी है फेस वैल्यू है पॉइंट फाइव जीरो डॉलर या फिर इसको क्या बोलेंगे फिफ्टी सेंस ठीक है और क्वेश्चन ने बोला कि शेयर प्रीमियम अकाउंट में ऑलरेडी कितना पड़ा है हंड्रेड थाउजेंड डॉलर पड़ा है

ये आएगा मेरा थर्टी वन थाउजेंड टू फिफ्टी ओके तो एंट्री क्या करूंगी डेबिट करूंगी शेयर प्रीमियम क्योंकि शेयर प्रीमियम से पैसा निकलता है ये और क्रेडिट करूंगी क्या शेयर कैपिटल थर्टी वन टू फिफ्टी थर्टी वन टू फिफ्टी ओके चलो देखो अब ये एंट्री है कहीं पे फर्स्ट hmm, वाली तो नहीं है यस yes, ये वाली शेयर प्रीमियम जो है वो डेबिट होगा डेबिट शेयर प्रीमियम और क्रेडिट होगा शेयर कैपिटल सो ऑप्शन बी क्या है करेक्ट है यहां पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर चलो लेट्स मूव फर्दर ओके अब क्वेश्चन क्या बोलता है वन ऑफ ऑफ द द फॉलोइंग वुड यू एक्सक्लूड फ्रॉम स्टेटमेंट चेंजेस इन शेयर प्रीमियम इंक्लूड होता है रिवेल्यूएशन सरप्लस इंक्लूड होता है इन रिडीमेबल प्रिफरेंट शेयर इंक्लूड होता है रिडीमेबल प्रिफरेंट शेयर रिडीमेबल प्रिफरेंट शेयर एक्सक्लूड होता है क्यों वाई बिकॉज इसका जो सब्सटेंस है वो किसकी तरह है नॉन करंट लाइबिलिटी की तरह राइट right? ये एक तरीके के लिए क्या है एक तरीके से लोन है तो इसको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में नहीं इंक्लूड करते वन ऑफ दी फॉलोइंग आर करेक्ट अ अ लिमिटेड कंपनी विल ऑलवेज हैव बोथ एन इशूड शेयर शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम नहीं जरूरी नहीं है क्यों क्योंकि मान लो अगर वो अपने शेयर्स पार पे इशू करती है वो प्रीमियम पे करती ही नहीं है डॉलर वन का शेयर है डॉलर वन में ही इश्यू करती है तो सिंपल है जरूरी नहीं है उसके पास शेयर प्रीमियम अकाउंट हो

ड्यू टू चैलेंजिंग ट्रेडिंग कंडीशन a कंपनी मेक अ लॉस फॉर 31st December 2008. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2008 में उसको प्रॉफिट नहीं हुआ और क्या हुआ लॉस हुआ एंड एक्सपेक्ट टू रिकवर अ रीपेमेंट ऑफ इनकम टैक्स ऑफ टू वन टू जीरो ड्यूरिंग टू थाउजेंड नाइन ठीक है अब देखो जब क्या होता है लॉस होता है जब क्या होता है लॉस होता है देखो प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं टैक्स पे करते हैं राइट right? टैक्स चार्ज होता है और वो टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट होती है एक जगह टैक्स चार्ज होता है और एक जगह टैक्स क्रिएट होती है और हम पे करते हैं लेकिन लॉस लॉस के के केस केस में में क्या होता है के में हम टैक्सेशन अथॉरिटी से पैसा रिसीव करते हैं ठीक है ठीके? तो क्या एंट्री होती है टैक्स क्रेडिट मिलता है टैक्स क्रेडिट और टैक्स रिकवरेबल एसेट होता है तो एंट्री क्या होती है लॉस के केस में एंट्री क्या बनेगी डेबिट होएगा देखो सबसे पहले तो दोनों से देखते हैं प्रॉफिट के केस में जब होती है तो हम क्या करते हैं तब हम करते हैं डेबिट इनकम टैक्स चार्ज ये जाता है स्टेटमेंट ऑफ पी एल में एक्सपेंस की तरफ और क्रेडिट क्या करते हैं हम क्रेडिट करते हैं इनकम टैक्स लाइबिलिटी और ये कहा जाता है यह जाता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में लाइबिलिटी है क्योंकि पे करनी है टैक्सेशन अथॉरिटीज को लेकिन लॉस के केस में क्या होता है डेबिट करते हैं इनकम टैक्स क्रेडिट इनकम टैक्स क्रेडिट मिलता है हमें क्रेडिट एक तरीके से इनकम है ये हमारी टैक्सेशन अथॉरिटीज हमें क्रेडिट दे रही है लॉस पे ठीक है तो ये जाएगा स्टेटमेंट ऑफ आई एम सो सॉरी 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 आई एम सो सॉरी डेबिट होता है डेबिट होगा इनकम टैक्स रिकवरेबल इनकम टैक्स रिकवरेबल एसेट और क्रेडिट क्या होगा इनकम टैक्स क्रेडिट इनकम टैक्स क्रेडिट क्या है एक तरीके से इनकम है इसलिए वो क्रेडिट हो रही है इनकम का नेचर क्या होता है कि वो क्रेडिट ही होती है सो इनकम टैक्स क्रेडिट क्या होगा क्रेडिट होगा यहाँ पर और इनकम टैक्स रिकवरेबल एसेट क्या होगा डेबिट होगा सो so, मतलब ये हमें टैक्सेशन अथॉरिटी से रिसीव करना है तो ये क्या बोल रहा है कि टू में उनको लॉस हुआ लॉस के चक्कर में उनको रिकवर uh, करना है रिपेमेंट ऑफ इनकम टैक्स ऑफ टू वन टू जीरो

चलो लेट स्टार्ट नाउ ठीक है अब एक काम करते हैं सबसे पहले हम बनाते हैं एक तो बनाते हैं इनकम टैक्स लाइबिलिटी और एक हम ये तो मतलब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन का पार्ट होगा और एक हम बनाते हैं इनकम टैक्स चार्ज ठीक है ये स्टेटमेंट ऑफ पी का पार्ट हुआ चलो अब हम चालू करते हैं अब देखो सबसे पहले बैलेंस कितना कैरी फॉरवर्ड हो रहा है ब्रॉड फॉरवर्ड हो रहा है तो क्रेडिट में सबसे पहले वो बोल रहा है कि लाइबिलिटी है एक टू थ्री फाइव जीरो की ठीक है भाई लाइबिलिटी है टू थ्री फाइव जीरो की फिर वो बोलता है कि मार्च में हमने इस लाइबिलिटी को पे किया कितना पे किया हमने सिर्फ लेकिन टू जीरो फाइव जीरो ही पे किया कितना पे किया टू जीरो फाइव जीरो पे किया इसका मतलब हमने कितना पे किया टू जीरो फाइव जीरो और हमारा चार्ज कितने का था टू थ्री फाइव जीरो का था पे हमने कितना किया टू जीरो फाइव जीरो मतलब हमारा ओवर प्रोविजन था क्या था ओवर प्रोविजन था हमने ज्यादा चार्ज किया पर हमें पे कम करना था हमने हमने चार्ज किया 2007 में 2350 जबकि पे कितना करना था 2050 ठीक है तो 300 का हमने ज्यादा ओवर ओवर प्रोविजन था था क्या था? ये प्रोविजन था अब जो ओवर प्रोविजन होता है उसको हम क्या करते हैं उसको हम इनकम टैक्स करंट ईयर इनकम टैक्स चार्ज में हम उसको क्या करते हैं कम करते हैं माइनस करते हैं माइनस करते हैं राइट right? तो हमने ये तीन माइनस कर दिया ओके okay, ये ओवर प्रोविजन का 300 हमने इनकम टैक्स में माइनस कर दिया अब क्वेश्चन क्या बोलता है अब क्वेश्चन बोल रहा है year, उसको 2008 में हुआ उसको होगा, क्या होगा इनकम मिलेगी इनकम मिलेगी राइट right? इनकम मिलेगी कितने की सो so, इसको क्या मिल रहा है करंट क्रेडिट है इसका चार्ज नहीं है क्या है क्रेडिट है क्रेडिट है कितने का टू वन टू जीरो का कितने का टू वन टू जीरो का तो इसका मतलब टू फोर टू जीरो टू फोर टू जीरो कहां जाएगा इसका स्टेटमेंट ऑफ पी एंडल में ठीक है स्टेटमेंट ऑफ पी एनडल में टू फोर टू जीरो इनकम की तरह जाएगा ठीक है इनकम की तरह जाएगा और टू वन टू जीरो जो है इसका ये क्या है इसका एसेट है ये क्या है इसका एसेट ये इसको रिकवर करना है ये इसको क्या करना है रिकवर करना है ठीक है तो ये क्या है ये है इन टू वन टू जीरो तो क्या है इनकम टैक्स रिकवरेबल एसेट और टू फोर टू जीरो क्या है ये है टैक्स क्रेडिट जो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में जाएगा अब देखो ऐसे कोई ऑप्शन है टू फोर टू जीरो टैक्स चार्ज नहीं टू फोर टू जीरो क्या होना चाहिए टू वन टू जीरो टू फोर टू जीरो तो क्या होना चाहिए टैक्स क्रेडिट होना चाहिए ठीक है और टू वन टू जीरो क्या है टैक्स रिकवरेबल एसेट है जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल so, ऑप्शन होगा नहीं है. Easy है, बस clear होने चाहिए अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बस प्लस माइनस करना है ओके okay? चलो लेट्स मूव फर्दर अब ये वाला भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो ये भी सिमिलर है ये वाला क्वेश्चन भी क्या है सिमिलर है टू द प्रीवियस वन अच्छा क्वेश्चन क्या बोलता है बॉन्जो कंपनी estimated its income tax liability on the profit for the year ended 30th June 2005 was 16940 okay pichle saal ki baat ho rahi hai this liability was settled in february 2006 2006 mein isko settle kiya with a payment of 17500 pichle saal ki liability thi 16940 aur pay kitna kiya 17500 इसका मतलब हमने पिछले साल charge कम किया था Charge कम किया था मतलब क्या है under provision. अंडर प्रोविजन है तो अंडर प्रोविजन इस साल चार्ज करना पड़ेगा राइट right? इस साल इसको चार्ज करना पड़ेगा अब आगे क्वेश्चन क्या बोलता है हैविंग मेड अ ट्रेडिंग ट्रेडिंग लॉस लॉस का मतलब है लेकिन इस साल तो इनको लॉस हो गया फॉर द ईयर एंडेड थर्टियथ जून टू थाउजेंड सिक्स बॉन्जो कंपनी एस्टिमेटेड दैट इट वुड रिसीव पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स ऑफ फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड ड्यूरिंग दी फॉलोइंग अकाउंटिंग पीरियड ठीक है अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है व्हाट अमाउंट शुड बी इंक्लूडेड इन बॉन्जो कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड थर्टी जून टू थाउजेंड सिक्स फॉर इनकम टैक्स ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है चलो लेट्स स्टार्ट सो स्टेटमेंट ऑफ दो चीजें करते हैं एक तो वही वापस से इनकम टैक्स लाइबिलिटी कितनी है और इनकम टैक्स चार्ज ठीक है चलो सबसे पहले बैलेंस इसका कितना ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ का, इसका हुआ, 16, अब इसने लेकिन पे कितना अंडर प्रोविजन मतलब था अंडर प्रोविजन था. था? था. था मतलब इस साल के चार्ज में ये एड होगा इस साल के चार्ज में ये क्या होगा एड होगा राइट right? इस साल के जो इस साल का चार्ज है करंट एस्टिमेशन है उसमें इसको एड करना पड़ेगा अंडर प्रोविजन को लेकिन इस साल तो क्या हो गया टैक्स क्रेडिट हो गया टैक्स चार्ज नहीं था टैक्स क्रेडिट हो गया क्यों क्योंकि कंपनी को लॉस हुआ लॉस हुआ है तो उसको वो रिसीव कर रही है तो अब वो कितना रिसीव कर रही है वो रिसीव कर रही है फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड विच मींस फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड में से मैं ये फाइव सिक्सटी माइनस करूंगी कितना आएगा थ्री नाइन फोर जीरो थ्री नाइन फोर जीरो So, इसका मतलब इसका स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में कितना चार्ज होगा थ्री नाइन फोर जीरो का होगा ठीक है चार्ज नहीं होगा सॉरी ये टैक्स क्रेडिट होगा कितने का टैक्स क्रेडिट होगा थ्री नाइन फोर जीरो का क्रेडिट होगा ठीक है और इस इसके उसमें कितना जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड जाएगा एज वॉट इनकम टैक्स इनकम टैक्स रिकवरेबल एसेट इनकम टैक्स रिकवरेबल एसेट की तरह ये जाएगा 4,500 क्योंकि इसको रिसीव करना है ओके अब देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है को तक क्या होना चाहिए टैक्स क्रेडिट होना चाहिए ये रहा सो ऑप्शन नंबर ए ए करेक्ट है 3940 का टैक्स क्रेडिट हो गया और 4,500 टैक्स रिकवरेबल एसेट हो गया सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा ठीक है सो आई होप आपको ये क्लियर क्लियर होगा अभी चलो अब मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं कापलान के रिलेटिंग टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर ठीक है प्लीज डू रिवाइज इट एंड डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम फिर अब हम नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर फोर्टी चलो बाय बाय सी यू हैव अ गुड डे अहेड एंड डू लेट मी नो इफ यू गाइज हैव एनी प्रॉब्लम